See, Shivaji fought the colonial powers. You know, he fought the Portuguese and later the Maratha Navy fought the British. So it was an important aspect. उन्होंने जो एक फाउंडेशन ले किया नेवी को उस वक्त ले किया जब बाकी इंडियन जगह में उनके पहले हालांकि जो मलबार कोस्ट में द मरक्कर्स वेर ग्रेट सी फेयरर्स उन्होंने भी पोर्चुगीज को रेसिस्टेंस दिया. रानी अब्बक्का जो थी कर्नाटका में शी रेसिस्टेड इन अ बिग वे. बट एक एम्पायर की तरह से एक सॉवरेन राजा जो है एक नेवी को सपोर्ट देना अपना तरह का सपोर्ट देना वो शिवाजी महाराज से शुरू हुआ. उन्होंने देखा कि एक नेवी की बहुत सख्त जरूरत. तो 1654 में उन्होंने कल्याण में एक जो हम बोलते हैं की लेइंग किया था जहाज का और कुछ सालों में मराठा नेवी जो है उभर के शुरू में 20 जहाज उसके बाद एट द पीक कहा जाता है कि तकरीबन 60 वॉरशिप्स और 5000 लोग थे और उनके दो तीन जो अलग अलग तरह के गुरब गलिवट पाल ये अलग अलग तरह के जहाज होते थे उनके वॉरशिप्स. जैसे एक मराठी में कहावत है जाचा दरिया त्याचा वैभव जाचा आरमार त्याचा समुद्र. यू नो जिसका नेवी होता है उसका समुद्र होता है. सो ही हु कंट्रोल्स द सी और द ओशन ही इज द वन हु इज ऑल पावरफुल. आई थिंक ये बात हमें अच्छी तरह समझना चाहिए कि मराठा लोगों ने ये मराठा नेवी शिवाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज हैड थॉट ऑफ दिस. ये उनका विजन था और मैं समझता हूँ कि आज जब हमने उनका जो चिन्ह है वो प्रकटित किया हमारे निशान के ऊपर हम उसी विजन को आगे बढ़ा रहे हैं. जैसे और जगह में हम बोलते हैं कि समुद्र भारत ही समृद्ध भारत है. तो ये मैं समझता हूँ ये एक उस चीज का मैनिफेस्टेशन. थैंक यू.